क्लास, आज हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। नया चैप्टर शुरू करने से पहले हम कुछ शब्दों को समझ लेते हैं। जब भी आप किसी का चेहरा सबसे पहली बार देखते हैं तो आप क्या नोटिस करते हैं? आप नोटिस करते हैं उसका आकार। यहाँ पर आपको एक चेहरा दिखाई दे रहा है। अगर आपसे पूछा जाए कि इस चेहरे का आकार क्या है तो आपका जवाब क्या होगा? आपका जवाब ये होगा कि इस चेहरे का आकार है ओवल। ऐसे ही अगर आपसे पूछा जाए कि फेस के स्ट्रक्चर में कौन कौन सी चीजें आती हैं तो आपका जवाब क्या होगा? आपका जवाब होगा कि चेहरे में आती हैं आंखें, नाक, कान और होंठ। ऐसे ही अगर हम बात करें पेड़ पौधों के बारे में तो यहाँ पर आपको एक बरगद का पेड़ दिखाई दे रहा है। बरगद के पेड़ में जो जड़ें होती हैं वो ऊपर से नीचे की ओर आती हैं और वह काफ़ी मजबूत होती हैं। ऐसे ही अगर हम बात करें मूली और गाजर के बारे में तो इनकी जो जड़ें होती हैं वो काफ़ी पतली होती हैं और काफ़ी छोटी होती हैं। ऐसे ही अगर हम बात करें बड़े पेड़ पौधों के बारे में तो उनकी जो जड़ें होती हैं वो काफ़ी लंबी होती हैं यानी दूर तक जाती हैं और काफ़ी मोटी होती हैं यानी काफ़ी मजबूत होती हैं। हम इन सब से निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जो पेड़ पौधों में जड़ें होती हैं वो काफ़ी तरीके की होती हैं। ऐसे ही अगर हम बात करें पत्तियों के बारे में तो आप सभी ने पान का पत्ता तो देखा ही होगा। इसका आकार जो होता है वो दिल के समान होता है यानी हार्ट के समान। ऐसे ही अगर हम बात करें पतझड़ की पत्तियों के बारे में तो इनका जो आकार होता है वो हाथों के समान होता है। ऐसे ही अगर हम बात करें पाम लीव्स के बारे में तो इनकी जो पत्तियाँ होती है वो काफ़ी भागों में बटी होती हैं। तो हम इससे भी ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जो पत्तियाँ होती हैं वो पेड़ पौधों में कई प्रकार की होती हैं। इन सभी एक्सटर्नल कैरेक्टर्स को एक ब्रांच में स्टडी करते हैं बायोलॉजी में जिसका नाम है मॉर्फोलॉजी। तो आज हम 11th क्लास बायोलॉजी के 5th चैप्टर के बारे में सीखेंगे जिसका नाम है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। इस चैप्टर को विस्तार में सीखने से पहले हम इसके कुछ लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं। इस चैप्टर के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स ये हैं। इन सभी के बारे में हम विस्तार में सीखेंगे। इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक है रूट। क्या आपने कभी सोचा है कि रूट और स्टेम प्लांट के किस पार्ट से आती है? वो आती है सीड से। सीड्स दो तरीके के होते हैं, ये आप सभी ने पहले सीखा ही होगा। डाइकॉट सीड में दो कॉटिलेडॉन्स होते हैं और मोनोकॉट सीड में एक कॉटिलेडॉन होता है। तो सीड का वो पार्ट जो कि स्टेम बनाने में मदद करता है उसको हम बोलते हैं प्लूम्यूल, और सीड का वो पार्ट जो रूट बनाता है उसको हम बोलते हैं रेडिकल। अब हम रूट के फंक्शंस देख लेते हैं। रूट का सबसे पहला फंक्शन होता है एब्जॉर्प्शन। इस वीडियो में आपको दिखाई दे रहा है कि रूट्स सॉइल में से पानी लेकर प्लांट्स के ऊपर वाले पार्ट्स यानी कि लीव्स, स्टेम, फ्लावर और फ्रूट्स तक पहुंचा रही हैं। तो इसीलिए रूट का पहला और इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है एब्जॉर्प्शन। अब हम रूट्स का दूसरा फंक्शन देख लेते हैं। रूट्स का दूसरा फंक्शन है एंकरेज। इसका मतलब ये है कि ये प्लांट्स को एक जगह पकड़ बनाने में मदद करते हैं। अब हम रूट का तीसरा फंक्शन देख लेते हैं। रूट का तीसरा फंक्शन होता है कुछ ऐसे सब्सटेंसेस प्रोड्यूस करना जो कि प्लांट के ग्रोथ और डेवलपमेंट में मदद करते हैं। इन्हीं सब्सटेंसेस को हम नाम देते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स का एग्जाम्पल है साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन और ऑक्सिन। रूट्स का चौथा फंक्शन है स्टोरेज। रूट्स खाना स्टोर करने में भी मदद करते हैं और इन सभी मॉडिफिकेशंस के बारे में हम अब इस चैप्टर में विस्तार में सीखेंगे। क्लास, अब हम रूट के फर्स्ट सब टॉपिक के बारे में सीखेंगे जिसका नाम है रूट टाइप्स बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजी। सबसे पहला रूट सिस्टम आता है फाइब्रस रूट सिस्टम जो कि अधिकतर पाया जाता है मोनोकॉट्स में। फाइब्रस रूट सिस्टम का मतलब होता है कि जो रूट्स होती हैं वो धागे की तरह होती हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है वीट और राइस।
प्लांट्स में जो दूसरे टाइप का रूट सिस्टम होता है उसको हम बोलते हैं टैप रूट सिस्टम, जो कि अधिकतर डाइकॉट्स में पाया जाता है। टैप रूट सिस्टम में आपको एक स्वोलन पार्ट दिखाई देता है जिसको हम बोलते हैं मेन या प्राइमरी रूट। प्राइमरी रूट में से आपको कई ब्रांचेस दिखाई देंगी, उसको हम कहते हैं सेकेंडरी रूट। सेकेंडरी रूट्स में से जो ब्रांचेस आती हैं उसको हम बोलते हैं टर्शरी रूट। टैप रूट सिस्टम का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है मस्टर्ड, यानी कि सरसों। अब तक हमने दो टाइप के रूट सिस्टम के बारे में सीखा, जिसका नाम है फाइब्रस रूट सिस्टम और टैप रूट सिस्टम। दोनों ही टाइप के रूट सिस्टम आते हैं सीड के रेडिकल पार्ट से। अब प्लांट्स में एक थर्ड टाइप का रूट सिस्टम प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं एडवेंटिशियस रूट। एडवेंटिशियस रूट सीड के रेडिकल पार्ट से नहीं आते, बल्कि वो प्लांट के किसी अन्य भागों से आते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है बरगद का पेड़, यानी कि बैनियन ट्री। इनका फंक्शन ये होता है कि ये प्लांट को एक्स्ट्रा सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं।